वेलकम टू ओडिया डिजिटल लर्निंग पिला माने एबे आमे षष्ठ श्रेणी रो गणित पाठ रे थिबा केते गुडिए प्रश्न रो समाधान करिबा ताहेले पिला माने आगरु आमे चतुर्थ श्रेणी रु मध्य गसागु विषय रे धारणा पाई कि गसागु हेउची गरिष्ठ साधारण गुणन्य बुझेला पिला गसागु होची गरिष्ठ साधारण गुणन्य सही गसागु को मन पकाई आज आम के प्रश्नर समाधान करवा पिला माने देख 65,610 संख्या 27 द्वारा विभाज्य ताहले 65,610 रो निकटतम एपरी दुईटी संख्या बाहर करो जहाँ 27 द्वारा विभाज्य अटे ताहले पिला माने 65,610 टी जदि 27 द्वारा विभाज्य हेबो ताहले ए संख्यारु आमे वियोग जदि 27 करि दबा ताहा मध्य गुटी संख्या हे परिबो आउ 65,610 जोग 27 जदि कर दबा ताहा मध्य गुटी संख्या हे परिबो ताहेले 65,610 रु आमे जदि 27 वियोग करबा केते हेबो देखो 3 10 रु 2 गला 8 5 हला तारे 5 आउ 65,583 गोटे संख्या हला आउ 65,610 अछि 27 637 गोटे संख्या ए पारिबो बुझियाला पिला एठारे देखो दुईटी क्रमिक संख्यार गसागु निर्णय कर पिला माने आमे जदि दुईटी क्रमिक संख्या नबा दुईटी क्रमिक संख्या होची परस्पर मौलिक ए दुईटी क्रमिक संख्या गोटे संख्या द्वारा विभाज्य हेई पारिबे नाही बुझियाला तेणु करे एटा होची परस्पर मौलिक संख्या दुईटी क्रमिक संख्या परस्पर मौलिक बुझियाला पिला तापर देख पिला क्यों बृहत्तम संख्या द्वारा 245 ओ 1,029 को भाग कले प्रत्येक स्थल रे भागशेष 5 रहिबो बुझियाला पिला तो माने टिके चिंता करो 245 ओ 1,029 एही दुई संख्या केउं संख्या द्वारा भाग कले भागशेष 5 रहिबो ताहेले पिला एही दुई संख्या को आमे 5 कम कर दबा 245 वियोग 5 कर दबा या को भी वियोग 5 कर दबा ताले देखिबा केते हो जी एटा हो जीवो 240 आओ एटा हला 1,024 ताले पिला माने एई संख्या दुईटी रो आमे गसा को निर्णय करिबा बुझियाला 240 ओ 1,024 रो जदि आमे गसा को निर्णय करिबा ताहेले केते हेबो देखिबा आमे जदि गसा को निर्णय करिबा ताहेले देखिबा पिला आमे धरा जाउ प्रथमे आमे
जदि दुई रे देखा शहे कोड़े है दुई पंचा दस पांचश बार पुणी जदि दुई रे देखा षाठी है दुई दुणे चारि एक दुई पंचा दस दुईश को बार दुईश छपन है पंच दुई तापर के जीव आम देखा पे दुई जीव तीस दुई को दुई दुई चौ आठ दुई को दुई दुई दुने चार दुई अष्ट षोह देखा पुणी दुई रे जा पंदर दुई शक बार दुई चौ आठ तापर देखा तापर आउ जाऊ ना देख पा गोटे संख्या रे दुईटा आउ विभाज्य हो पारना पांच के छा छ चार दस ताल गसागु दुई दुणे चार दुणे आठ दुणे षोह गसागु षोह षोह द्वारा जदि आम भाग करवा एथरु आम पांच पांच व्यय करदे तापरे जहाँ हम तार गसा को आम षोह पाइला षोह द्वारा जदि आम भाग करवा भाग शेष पांच रुझेगा या तुम्हें परीक्षा कर देखिपर ताहले देखा दुईटी टैंकर रे यथाक्रमे आठश पचास लिटर ओ छह अशी लिटर पेट्रोल आसे तुम्हें एभली पेट्रोल रखा पात्र आणव जो थी प्रत्येक टैंकर रे पेट्रोल पूर्ण थर के माप करहब ताने आम के लिट्रिया गोटे मापटे आपी मापी, मापी आम शेष कर आठश पचास ओ छह अशी आम को गसा को बाहर करने को पड़ बुझेगा पिला आठश पचास ओ छह अशी आम को जदि गसा को बाहर करवा माप करी पाइबा ठीक अच्छे आम जदि गसा को बाहर करवा देखा आठश पचास आउ छह अशी बुझेगा सहजरे आम किपर गसा को बाहर करवा आम जो जानवा देख आम आम जब शून शून काटी मध्य दबा पंचाशी हो गला आउ अठसठ हो गला आम देखा देख आम जब सतर नवा सतर पंचा पंचाशी सतर चौ अठसठ आउ
ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, 170 ଯଦି କରିଦେବ 850 680 ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ 170 ଲିଟ୍ରିଆ ଯଦି ଆମେ ମାପଟି ଆଣିବା ତେବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ମାପି ପାରିବା। ବୁଝିଗଲା ପିଲା? ଏଭଳି ପେଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାତ୍ର ଆଣିବ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରକେ ମାପ କରିହେବ। ଆମେ ସର୍ବାଧିକ 170 ଲିଟ୍ରିଆ ଗୋଟିଏ ଯଦି ପାତ୍ରଟି ଆଣିବା, ବୁଝିଗଲା? ଏପରି ଗୋଟିଏ ଯଦି ପାତ୍ରଟି ଆଣିବା, 170 ଲିଟ୍ରିଆ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରଟି ଆଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାପ କରିପାରିବା। କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 398, 436 ଓ 542 ଭାଗ କଲେ ଯଥାକ୍ରମେ 7, 11 ଓ 15 ଭାଗଶେଷ ବଳିବ? ବୁଝିହେଲା? ଯଥାକ୍ରମେ ତାହେଲେ ଏଇ 398 ଆମେ 7 ବିୟୋଗ କରିବା, 436 11 ଓ 542 15 ବିୟୋଗ କରିବା, ତାପରେ ତାର ଗୋସାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। 6 ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ 5 ମିଟର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 6 ମିଟର 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 4 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ତୁମେ ଏଭଳି ଏକ ବୃହତ୍ତମ ବାଡ଼ି ଠିକ୍ କର ଯେଉଁଥିରେ କୋଠରୀର ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରକେ ମପାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ମିଟର ଆଉ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା। 525 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 675 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ 450 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ଗୋସାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବୁଝିଗଲା ପିଲା? ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ଗୋସାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇଟା ଛିଡ଼ି ପାରିବ। ଧରାଯାଉ ଆମେ 25 ହରଣ କରିବୁ, 25 × 50 ତାପରେ 2 ହେଲା, 25 × 25 ହେଲା, 25 × 50 ହେଲା, ତାପରେ 17 × 25 = 175 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 25 × 25 ତାପରେ କେତେ, 250 ହେଲା, 25 × 25 20 × 25 = 200 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଯିବ, 2 × 3 = 7, 2 × 9 = 8, 1 × 9 3 ଯିବ, 3 × 7 = 21 3 × 9 = 27 300 = 18 ତାପରେ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ ପିଲା। ତାହେଲେ 25 × 3 = 75 ହେଲା, 75 ହେଲା ଗୋସାକ, 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ପିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଗୋଟିଏ ଯଦି ବାଡ଼ି ଆଣିବା, ବୁଝିହେଲା, ଆମେ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଆଣିବା, ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମେ ମାପ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲା ଉଦାହରଣ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ପାଇଁ 3 ଉଦାହରଣ ନିଅ। ହେଲା ପିଲା, 2 ଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋସାକୁ 1 ଅଟେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ
मौलिक दुईटी भिन्न भिन्न मौलिक संख्यार गोसागु एक हे परिबो जो पांच और सात एटा केवल एक द्वारा ही विभाज्य हे परिबो ताले उत्तरी ठीक अटे हला दुईटी परस्पर मौलिक संख्यार गोसागु एक अटे ताहले दुईटी परस्पर मौलिक संख्यार गोसागु एक हे बुझेला चारि पांच आठ नौ ये जो परस्पर मौलिक संख्या क्रमिक संख्या गुड़िक दुईटी क्रमिक संख्या तार केवल एक द्वारा विभाज्य हो पारिबो या मध्य पास हम गोटे युग्म संख्या और गोटे अयुग्म संख्यार गोसागु गोटे युग्म संख्या ताहले पिलाए गोटे युग्म संख्या आ गोटे अयुग्म संख्या गोटे युग्म संख्या आ गोटे अयुग्म संख्या धरा जाऊ बार गोटे युग्म संख्या आउ पंद्रह गोटे अयुग्म संख्या धरा जाऊ बार गोटे आउ पंद्रह यार जदि आम गोसागु देखा गोसागु तीन चौ बार तीन पंच पंदर गोसागु तीन है ताहले गोटे युग्म संख्या हुए बोल किंतु गोटे अयुग्म संख्या है ताहले यही उक्ति भूल है दुईटी क्रमिक युग्म संख्यार गोसागु दुई ताहले पिलाए दुईटी क्रमिक युग्म संख्या आम जानु युग्म संख्या हूँ दुई द्वारा विभाज्य बुझेगा युग्म संख्या हूँ दुई द्वारा विभाज्य ताहले दुईटी क्रमिक संख्यार गोसागु दुई हो पार हला पे धरा जाऊ आम चौबीस आउ छबिश यार जदि आम गोसागु बाहर करवा देख दुई बार है तेर है गोटे संख्यार छिड़ब ना तेणु गोसागु दुई है ये उक्ति पास है दुईटी क्रमिक अयुग्म संख्यार गोसागु दुई क्रमिक अयुग्म संख्या ताहले पिला अयुग्म संख्या केतेबेले मध्य दुई द्वारा विभाज्य हो पारिबो नाही ताहले एटा भूल हला बुझेला पिला ताहले पिला माने आज आम पूर्वर धारणा पाई गोसागु को नहीं केते गुड़िए प्रश्नर समाधान कला यही अभ्यास कार्य टी तुम तुम पाठ बही रे ओ अभ्यास खाता रे अभ्यास कर थैंक यू चिल्ड्रन।